हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड फैशन गाइड। मैं हूं मौसमी और मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यूली लॉन्च शीट मास्क के बारे में बात करने वाली हूं। सो गाइस, आप लोग तो पता ही है कि शीट मास्क जो होते हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर एक शीट मास्क में अलग तरह की सीरम्स रहती है जो हमारे फेस को ब्राइट करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे फेस को फेयर बनाने में हमारी मदद करते हैं और हमारे फेस के जो ओपन पोर्स एरिया होते हैं उनको मिनिमाइज करने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा शीट मास्क शेयर करने वाली हूं जिसको यूज करके आप अपने स्किन को व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग बना सकते हैं। और क्योंकि ये शीट मास्क डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है और इसको ऑल स्किन टाइप वाले ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए विदाउट रुकआउट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और उस तरफ जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना। सो गाइस, आप लोग तो पता ही है कि मैं ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। पहले मैं उसे खुद यूज करती हूँ, उसके बाद उसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो मैं आज आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट को शेयर करने वाली हूँ वो है ये पॉन्स सीरम शीट मास्क। आप लोग देख सकते हैं, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है पॉन्स एज मिरेकल स्किन ब्राइटनिंग सीरम मास्क। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सो अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, क्वांटिटी और पैकेजिंग के बारे में। सो गाइस, इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो क्वांटिटी है वो 21 ml है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 21 ml। और इसका जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से पिंक कलर की प्लास्टिक के बैग में है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्लास्टिक का पूरा बैग है, एक पिंक कलर में है, जिसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से एक कट दिया हुआ है जिस जहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, कट करेंगे और हमारा जो सीरम मास्क है उसको बाहर निकालेंगे। और इसका जो सेल लाइफ है वो है 22, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 22 यानी मतलब है इसको आप 2 ईयर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली बात है। अब चलिए देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सो गाइस, अब चलिए देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पर कट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। आप लोग चाहे तो एक कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कट करने के लिए। सो हमारा जो सीरम मास्क है वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हैं इसका जो सीरम है वो कितना ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं इसका जो सीरम है वो कितना ज़्यादा है, यहाँ से टपक टपक के गिर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, हमारे फेस पर किस तरीके से लगाना है। सो इसको पहले इस तरीके से ओपन कर लेना है अच्छी तरीके से। शीट मास्क को ओपन करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको ओपन कर नहीं पाती, थोड़ा उलझ जाता है। सो जैसे अब उलझ गया है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर मैं इसको सुलझा भी लेती हूँ कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने शीट मास्क को खोल लिया है अच्छी तरीके से। सो आप लोग देख सकते हैं अब इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। सो आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने ओपन कर लिया है, अब इसको इस तरीके से अपने फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। सो आप लोग देख सकते हैं और इसका जो सीरम है वो कितना ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग अपने जो नेक है इस पर अच्छी तरह से, हमारे हैंड पर जो सीरम लग गया है उसको इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। अगर चाहे तो इतना ज़्यादा सीरम को अब अपने हैंड पर भी इस तरीके से यूज़ कर दीजिए, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होता है तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अपने हैंड पर अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको यूज़ कर लीजिए। अब इसको 15 मिनट्स तक अपने फेस पर इस तरीके से ही छोड़ देना है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पैकेट पर भी लिखा हुआ है पहले हमें अपने सीरम मास्क को फेस पर लगाना है, उसके बाद 15 मिनट्स तक इसको अपने फेस पर रहने देना है, उसके बाद उस सीरम मास्क को उतार लेना है। सो मैं इसको अपने फेस पर 15 मिनट्स पर तक रख के फिर वापस आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसको उतारना कैसे है। सो गाइज, 15
मिनट्स हो गया है, अब मैं इस सीट मास्क को उतार के आप लोगों को दिखाती हूँ। सो इसको कुछ इस तरीके से हमारे सीट मास्क को उतार लेना है 15 मिनट्स के बाद इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पर सीरम जो है वो पूरा भरा हुआ है। इसको हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कर लेना है, अपने नेक एरिया पर भी इस तरीके से इसको मसाज कर लेना है अच्छी तरह से इस तरीके से। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसका जो सीरम है वो हमारे फेस पर पूरी तरह से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चाहे तो अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीट मास्क है ये आपके फेस को ब्राइट करने में, आपके फेस को फेयर बनाने में आप लोगों की मदद करेगा, क्योंकि ये फेयर ब्राइटर फेस सीरम मास्क है इसलिए। सो आप लोग चाहे तो इसको अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। मैंने इसको नायका से परचेस किया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग चाहे तो इसको किसी कॉस्मेटिक स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, हालांकि ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो भी आप लोग चाहे तो इसको किसी स्टोर में ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को किसी और दूसरे प्रोडक्ट के लिए जानकारी चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरफ जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।